सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपति एकेडमी। तो आज हम जो है वो DSU का ओखला कैंपस का कैंपस टूर करने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें तो इस कॉलेज का पहले नाम जो है वो जीवन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, जो कि GGSIP यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता था। लेकिन इस साल से 2021 से ये जो कॉलेज है वो GGSIP से हट करके DSU के अंदर आ चुका है। तो चलो अंदर चलते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर एक लैब्स क्लासेस कैसे हैं सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अभी थोड़ा बारिश का माहौल है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कीचड़ हो रखा है, लेकिन इन्होंने अपना जो काम बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है और आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाकी कैसे क्या होगा सब चीज़ आप लोगों को अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलो अंदर चलते हैं। यार DSU ओखला कैंपस के हम बिल्कुल गेट के सामने आ चुके हैं और हर गेट के पास जिसमें भी आप जाओगे या DSU के किसी भी कैंपस में तो एक हेल्प डेस्क होगा, वो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे हर जगह एक हेल्प डेस्क बना रखा है उन्होंने जहाँ पे जाकर के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलो यार आप थोड़ा अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें हम आप सभी को एक्सप्लोर करके बता रहे होंगे। सो नाउ वी आर ऑन दी फर्स्ट फ्लोर और ये जो आप लोग देख रहे हो एरिया, बेसिकली ये पूरा एरियाज है और ये जो है वो फैकल्टी मेंबर्स का एंड ऑल्सो वी आर ट्राई टू कनेक्ट विद सम फैकल्टी मेंबर ताकि आप लोगों को जो है बेसिकली एक आइडिया लग सके, क्योंकि देखो टीचर्स यहाँ के हैं तो उन्हें सारी चीज़ें पता होगा। सो हम ट्राई करेंगे अगर एस एच पॉसिबल रहा कि कुछ टीचर्स अगर हमसे कनेक्ट कर पाएंगे देन हम आप लोगों को वो भी बता देंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये जो एरियाज है वो हर एक रूम जो है वो अलग अलग फैकल्टी मेंबर को दिया गया है। देखिए यार क्लासरूम देखने से पहले मैं जैसा कि हरीश भैया ने आपको बता दिया कि इधर ये वाला जो पूरा एरिया है फैकल्टी मेंबर्स का है, तो अब क्लासरूम ही आपको जाना है। तो चलो यार अब क्लासरूम से ही चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे क्लासरूम से यहाँ के कैसा अच्छा है यार कैसा है बुरा, वो आप लोग खुद जा करके वहाँ देख सकते हो। चलो यार चलो चलो यार जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि क्लास कैसे है हमारे, तो चलो क्लासरूम में घुस के देखते हैं कि क्लासेस हमारे लिए कैसे बना रखी हैं। तो यार देख सकते हो यहाँ पर क्लासेस हमारी कैसी है, इस तरीके के बेंचेस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यार कोई भी प्रोफेशनल बेंच तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। और तुम्हें लाइटनिंग दिख रही होगी यार, अच्छे से खासे लाइट्स लगा रखे हैं इन्होंने, मतलब जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए इस क्लास में। और फैंस तुम्हें दिखेगा कि फैंस दिखा दो एक बार कि इसमें कितने सारे लगा रखे हैं इन्होंने, इधर भी फैंस हैं हमारे, उस साइड भी पूरे फ़ैन लगा रखे हैं और ऊपर में भी फ़ैन है। भले ही AC की सुविधा नहीं है यहाँ पे लेकिन फ़ैन इन्होंने अच्छे से लगा रखा है। अगर मैं दिखाऊंगा यार टीचर यहाँ पे पढ़ाते कैसे हैं, तो टीचर्स का यार यहाँ से ये पढ़ाते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बना रखा है कि इस जगह से अपना लेक्चर ले सकते हैं। और ये रहा बोर्ड, इस बोर्ड पर आराम से ईज़िली बच्चे विजिबल होते हैं, चाहे बिल्कुल ही पीछे बच्चा क्यों ना बैठा हो उसको ईजिली सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो यार क्लासेस के मामले में मैं कहूँ तो अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है, ऐसा नहीं है कहीं कहीं तो यार तुम्हें दीवारें टूटी मिलेंगी, ये सब मिलेगा ऐसा मिलेगा, तो यार ठीक है क्लासेस मैं कहूँगा कि अच्छी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है कॉलेज का वो होता है लैब होता है, क्योंकि लैब बहुत महत्व रखता है स्पेशली फॉर दी बीटेक के लिए। सो अब हम चलने जाने वाले हैं लैब देखने के लिए। सो अभी हम पहले देखेंगे फिजिक्स लैब एंड केमिस्ट्री लैब। फर्स्ट ईयर में आप लोग आओगे तो फिर ये फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब में ही आपको प्रैक्टिकल्स करने होंगे एंड देन धीरे धीरे जो है आप लोगों को बाकी पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिजिक्स लैब की तरफ, तो फिर हम चलते हैं अंदर और देखिए कि किस तरीके से हमारे जो है वो फैकल्टी मेंबर टीचर्स बैठे हुए हैं और ये हमारा लैब है। आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब कर रखा है, बाकी अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से अभी कॉलेज खुला नहीं है इसलिए जाके कि उतना वो नहीं हो रखा है, अदरवाइज़ बच्चे जो है यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं। बेसिकली जितना मैंने बताया वो तो आप लोगों के लिए एनफ नहीं होगा क्योंकि फैकल्टी मेंबर यहाँ पे बच्चों को हेल्प करते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेटर पता होगा कि किस तरीके से होता है। तो हम ट्राई करते हैं सर से बात करने के लिए। वेलकम, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता सीनियर मैकेनिक इस लैब में, और हमारे यहाँ पर बेसिक सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है और ये जितनी भी ब्रांचेज और स्ट्रीम्स है सभी के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ये हॉल इफेक्ट को दिखाइए, ये मतलब मेन चीज़। उसके बाद ये EM जे थॉमसन वाला प्रैक्टिकल है और ये साइड्स में लटक रही है पावर पेंडुलम और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये सारे टोटल प्रैक्टिकल्स हर सेमेस्टर के लिए अलग अलग डिवाइडेड हैं। यहाँ पर जो कराते हैं ये हमारे CR वगैरह के प्रैक्टिकल्स हैं और लिसाजेस पैटर्न ये चीज़ें हैं, और ये सेकेंड सेमेस्टर के हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो अभी हमने पोजीशन पर रखे हुए हैं, जैसे ही फर्स्ट पोजीशन के एनरोलमेंट बच्चे आएंगे उनके लिए हम वो डिस्प्ले कर देंगे और बहुत ही फैसिलिटी है।
ओके थैंक यू सो मच सर, सर ने बहुत अच्छा समझाया, आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। सर बिल्कुल कॉलेज में आओ और सर से मिलो, और सारे प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि टीचर यहाँ के बहुत हम्बल है। सबसे मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि आप लोगों को फैकल्टी मेंबर ना आप लोगों को मतलब बहुत बेस्ट मिलेगा। तो फिजिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ऑप्टिक्स लैब होता है, जो कि हमारा डार्क रूम है। तो अभी हम यहाँ पर अंदर चलेंगे और सर हमें एक्सप्लेन करेंगे कि अंदर कैसे क्या है। चलो अंदर चलते हैं। तो जैसा कि नाम से है डार्क रूम, तो अभी अंधेरा भी है लेकिन सो बेसिकली ये हमारा डार्क रूम है। तो सर एक्सप्लेन करेंगे डार्क रूम के बारे में। ये डार्क रूम है, यहाँ ऑप्टिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वहाँ डार्क रूम में ही किए जाते हैं ताकि लाइट का उसमें इंटरफेरेंस ना हो। ये है हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन लेजर उसका है। ये ग्रेटिंग्स है, ग्रेटिंग्स मीन्स दैट इज ऑप्टिकल डिवाइस। ये चीजें ऑप्टिक्स के, और ये एज पर सेमेस्टर वाइज होती है। इसमें न्यूटन्स रिंग भी है, वो एज पर सेमेस्टर वाइज है। वो सब चीजें अलग अलग तरह से हम उनको बताते हैं। डार्क ही रहता है मैक्सिमम, इसमें लाइट ना हो, और यहाँ जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए ऐसे यहाँ पर लाइट की नॉट रिक्वायर्ड। ओके थैंक यू सो मच सर, सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी सर का इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग कमेंट करो कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो हमने फिजिक्स लैब का हर एक चीज़ देख लिया है, अब हम चलते हैं आगे। यार जैसा कि हरीश भैया ने आपको सारे फिजिक्स लैब का सब कुछ दिखा दिया, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर, और केमिस्ट्री लैब में देखते हैं कि हमारी कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो आप थोड़ा अंदर आइए, और यहाँ पर आपको दिखेगा कि यार कितना अच्छा सा बना रखा है केमिस्ट्री लैब को। और फिजिक्स लैब तो आपने देख ही लिया था, केमिस्ट्री लैब बिल्कुल ही अच्छा सा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यार कि जैसे आपको बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि बस नाम के लिए बोला जाता है कि लैब है और वहाँ पे कराया कुछ नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे जो है लैब के नाम पे हर चीज़ कराई जाती है। आपको दिखेगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें, चाहे ब्योरेट हो चाहे जो भी हो, सारी चीज़ यहाँ है। और वहाँ अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, अंदर में देखो सारे केमिकल्स हैं। यार प्रिपरेशन रूम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, जितने भी रिएजेंट्स हो हमारे, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। तो हमारे यहाँ पे सर भी हैं, और सर भी आपको जैसा फिजिक्स लैब में सर ने आपको समझाया, वैसे ही आपको केमिस्ट्री लैब का भी सर समझाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स मिलते हैं। सर आप बताइए, यहाँ पर सभी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और केमिकल्स की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर COD और BOD से रिलेटेड पूरे प्रैक्टिकल्स बच्चों को कराए जाते हैं। यहाँ सारे ग्लासवेयर्स की कोई कमी नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर का प्लांट है, और यहाँ पर जितने भी बच्चों को यहाँ प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छे से फुलफिल की जाती है।